सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर अगवाड़ा किला, फोर्ट अगवाड़ा में, और अभी अंदर चलते हैं, कुछ टिकट्स वगैरह है यहाँ पे, चेकआउट करते हैं क्या है। तो गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग हियर इन गोवा। चल के चेकआउट करते हैं ये अगवाड़ा किला कैसा है और जो एंट्री फ़ी वगैरह है वो कितनी है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा और जो अंदर का एरिया है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। राइट, सो चेकआउट करते हैं चल के। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं फोर्ट अगवाड़ा में, अभी हम एंट्री के लिए चल रहे हैं। तो फोर्ट अगवाड़ा गाइज बनाया गया था 16th and 12th century में, किसके द्वारा, पोर्चुगीज़ के द्वारा, और ख़िलाफ़ लड़ने के लिए डच लोगों से। तो उस दौरान काफ़ी लोग इंडिया में आना चाहते थे जिनमें से डच भी एक थे, तो उनसे डिफेंड करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, इसको बिल्ड किया गया था और तब से ये ऐसे ही चला आ रहा है। और लाइट हाउस भी है यहाँ पे, हम लाइट हाउस ऊपर चेकआउट भी करेंगे। अभी हम चल रहे हैं, पहले एंट्री फ़ी वगैरह पे करके टिकट्स वगैरह परचेज करेंगे एंड देन उसके बाद अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किला। तो यहाँ पे है टिकट विंडो, देखिए ये पूरा एरिया गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है आज। पार्किंग का कुछ 50 rupees है एंड आपको पे करना रहेगा टू व्हीलर का, एंड कार वगैरह को कुछ 70-80 rupees है। ओके, सो दिस इज़ द पेमेंट। यस, तो ये टिकट है गाइस, 30 rupees की पड़ी है, दो टिकट्स लिए हमने, सॉरी 25 rupees की एक है और दो लिए, तो 50 rupees की पड़ी है। अभी सीधे चलते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है बट कभी भी मैं भी नहीं गया, पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नया चेकआउट करने को, सारी चीज़ें देखेंगे। ऊपर वहाँ पर लाइट हाउस भी है जो कि अभी भी काम करता है। मीनल जी, आपको यहाँ कैसा लग रहा है गोवा में, कितनी अच्छा। कौन सा टाइम है आपका, मतलब कितनी बार आप आ चुकी हैं? मेरा ये 8th time है। 8th time, 8वीं बार मैं गोवा आई हूँ। 8वीं बार गोवा आई, मुझे गोवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और वैसे भी मेरा जो बिजनेस है, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। yes. तो मेरा सबसे ज़्यादा जो पैकेज है वो गोवा के ही रहते हैं। और गाइस लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे पैकेजेस रहते हैं, अभी मुझे बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करा हुआ है वहाँ पे इन्होंने, और मैं भी इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। और आपको होटल्स के टूर्स पैकेजेस सबकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओनली गोवा के नहीं, इंडिया के भी जो भी है, ये बहुत सारे प्लेसेस की, फेमस प्लेसेस की टूर पैकेजेस वगैरह बनाती हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं, तो डू चेक आउट एंड एज वेल एज इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालूंगा जिससे आप इनको कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारा बहुत बड़ा प्लेस है आई थिंक, अभी यहाँ से अंदर की एंट्रेंस है, इस तरफ क्या है मालूम नहीं, बहुत सारी जगह है, अभी पढ़ते हैं आगे क्या क्या है, चेकआउट करते हैं। आज धूप बहुत है, बादल हैं लेकिन जाने का आने का नाम नहीं ले रहे ज़्यादा जैसे हमेशा होते थे। नीचे की तरफ भी कुछ है, ऊपर की तरफ भी कुछ है, पहले ऊपर चलेंगे बाद में नीचे चलेंगे क्योंकि अभी हम नीचे से ही आ रहे हैं। तो ये है, यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। इसका निचले हिस्से का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अभी ऊपर चल के देखते हैं। ये जो लाइट हाउस है ऊपर वाला हिस्सा, ये इसका मैप है। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी ऊपर नीचे आने जाने के लिए। यही प्लेस है गाइस जहाँ पे पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज़ लोग डच से लड़ाई करने के लिए ये जगह बनाया था एंड वहाँ पे यहाँ पे रहते थे, निगरानी करते थे अपनी सीमाओं की। एंड
थैंक यू। ओके टू बोर्ड उधर आके मैं देख लेता हूँ, सब चुपचाप हो जाएगा। ये देखिए पुरानी हिस्ट्री, ये फोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सारे फेमस प्लेसेस है गोवा के। लोअर फोर्ट अगोड़ा मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ये सब रेनोवेट किया गया है। बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा है। सो गाइस कुछ इतना खास नहीं है, बस ASI द्वारा संरक्षित प्लेस है एंड एज वेल एज ये लाइट हाउस है ऊपर एंड चारों तरफ आप घूम घूम के फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं एंड व्यू का मजा ले सकते हैं। दैट्स इट, इतना कुछ नहीं है क्योंकि किला है। किला किस लिए बनाया जाता था? निगरानी करने के लिए सीमाओं की। तो ऊपर से दूर से ही वेसल्स वगैरह देखते थे आते हुए कि हाँ ये आ रहे हैं, ये डच का वेसल है। बस दुड़ूम, काम ख़त्म, एक तोप मारा और काम ख़त्म हो गया। तो उसके लिए ही ये बनाया गया था। यहाँ पे पीने का पानी भी है, ड्रिंकिंग वाटर, विच इज़ गुड थिंग। देखते हैं ठंडा है कि नहीं है। ठंडा पानी इतनी गर्मी में लोगों को चाहिए होता है। नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं है, बट पीने लायक है। चलते हैं देखते हैं ऊपर से क्या व्यू आ रहा है। और किले ऐसे ही होते हैं, वहाँ देखिए ओल्ड लाइट हाउस नया वाला बना हुआ है जिसमें जाना मना है। बट ये जो पूरा सीन है, जो पूरी साइट है, ये उसके लिए ही है। किसके लिए? जो किला है उसी का हिस्सा है कि यहीं से लोग निगरानी करते थे, यहीं से देखते थे हाँ ये पोर्चुगीज आ रहे हैं, चलो मार दो बम, मार दो तोप, दुड़ूम, काम हो गया। थोड़ा फनी है बट यस दैट इज़ द रियलिटी अगर क्लियर शब्दों में बोलें तो। पर देखिए यहाँ से व्यू गाइस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत हाइट पे है यहाँ तो वो पूरा अरेबियन सी का हिस्सा है। तो यहाँ से तो मीलों दूर तक आप देख सकते हैं और मीलों दूर से ही नज़र रख सकते हैं कि कहाँ से कौन सा दुश्मन आ रहा है अटैक करने के लिए, तो तुरंत आक्रमण कर देंगे। हाँ तो गाइस आप जगह जगह पे जाके फ़ोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नीचे देखने के लिए, पता नहीं क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली देखने के लिए है। पता नहीं कुछ तो है ये। गाइस धूप बहुत 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 तेज है, अभी मैं बाहर निकलूँगा, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। चलते हैं नीचे। नीचे ना? हाँ बस हो गया। हाँ नहीं नहीं अंदर जाने के लिए नहीं है, बस बाहर से ही वो व्यू आता है ना, बस वही है, चारों तरफ ऐसा ही है। चलना है आपको ऊपर? हालत ख़राब हो गई, बैटरी भी ख़त्म हो गई है, फिर लास्ट का नहीं आएगा। फ़ोटोज़ वगैरह निकालनी है आपकी? मैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा लगा। हाँ मैं तो थंबनेल भी याद ही नहीं रहता। मैं भी अच्छा ये वही है, ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है। हाँ सो गाइस देखिए यहाँ पे किसी ने कचरा फैला के रखा है। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट लिटर अराउंड वेन एवर यू गो दिस काइंड ऑफ प्लेसेस और एनी वेयर, दैट्स नॉट गुड गाइस, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो धूप बहुत ही गाइस जल्दी निकल गए और सनसेट टाइम के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, नॉट एट दिस मोमेंट, सनसेट के लिए बहुत प्यारा है बट अभी के लिए नहीं।
सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। मीनल जी को भी पूरा सब कुछ मैंने घुमा दिया। अभी हम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत है, सनसेट के लिए बहुत प्यारी जगह है, अच्छा है घूमने के लिए, फोटोशूट वगैरह कराते हैं, व्यू भी बहुत अच्छा आता है, दूसरे का बहुत प्यारी जगह है। सो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मीनल जी का चैनल एज वेल। ऑलराइट, बाय बाय।